हे हाय देयर, वेलकम टू द आर सेशन। तो यार, जो आज का हम रिव्यू करने वाले हैं, एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग साइकिल पे करने वाले हैं, जो कि हमारी है ट्रेड M7 की। यार ये है ना, मतलब बेस्ट बाईसाइकिल बोलूँगा जिस प्राइस पॉइंट में ये आती है। कोई भी बाईसाइकिल ऐसे आपको फीचर्स नहीं प्रोवाइड करती, किसी भी बाईसाइकिल की इतनी ज़्यादा अमेजिंग स्पेसिफिकेशन नहीं है। मतलब मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो इसने अपना सारा ही कॉम्पिटिशन किल कर दिया है। जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं इस प्राइस पॉइंट में आ रहे हैं, इस प्राइस पॉइंट में जो भी वो साइकिल बना रहे हैं, भाई वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं लगती जब हम इसके स्पेसिफिकेशन सुनेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या हैं। तो गाइस, मैं पहले आपको बता दूं कि एक हमारी MTB है, जो कि हमारी एक डिसेंट से कलर के साथ आती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है, जो होता है ना क्लासी कलर, उस टाइप का हम बोलेंगे। जो कंपनी ने इस कलर को नाम दिया है वो है पोलर ग्रे विद पैच ब्लैक ग्राफिक्स। मतलब जो इसके ग्राफिक्स हैं वो ब्लैक हैं, और आप देख भी सकते हैं कि ब्लैक के शेड्स में ग्राफिक्स हैं। जैसे इसका सस्पेंशन है वो ब्लैक दे दिया, जो ट्रेड लिखा हुआ है वो ब्लैक दे दिया, और इसके रिम्स वगैरह ब्लैक में दे दिए, और बाकी का जो कलर है वो ग्रे का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगा। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यार देखो, सबसे पहली बात, ये 6061 LOI में आती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट होने वाली है। और लाइट से याद आया, इसका जो वेट है भाई वो है सिर्फ 15.4 kg। अगर आप कोई भी साइकिल उठाओगे इसके कंपटीशन में, मतलब इस प्राइस पॉइंट में जो आती है, उसका वेट इतना कम नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है। दूसरा, इसका जो सस्पेंशन है भाई वो है 100mm सस्पेंशन विद लॉक इन एंड लॉक आउट फीचर। मतलब 100mm का ट्रैवल, ज़्यादातर जो साइकिल हैं इसके कॉम्पिटिशन में आती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60mm 80mm मैक्स टू मैक्स मिलता है, बट यार ये आपको प्रोवाइड करती है 80mm सस्पेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ हो जाती है। दूसरा भाई, जो इसका काफ़ी ज़्यादा वाला, मतलब बहुत ही अमेजिंग वाला इसका मुझे अच्छा फीचर लगा, वो है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। आप कितनी भी साइकिल उठाओ अराउंड इस प्राइस पॉइंट पे जो आती हैं उसमें ज़्यादातर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिलता है, बट इसमें ही हमें प्रोवाइड करता है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। अब मैं आपको बता दूं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स और हाइड्रोलिक में डिफरेंस क्या है। जो हमारे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं यार, वो टाइम टू टाइम है ना, वो मतलब लूज़ हो जाते हैं, हमें उन्हें ना बार बार टाइट करना पड़ता है। बट अगर हम हाइड्रोलिक की बात करें तो यार, जो हाइड्रोलिक है वो है ना टाइम टू टाइम सेम रहते हैं, और इतनी ज़्यादा हमें उनकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती जितनी हमें एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की करनी पड़ती है। और जो यार हाइड्रोलिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। मतलब अगर आप ब्रेकिंग पावर देखो तो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। अब यार हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के। तो इसका नेक्स्ट फीचर है यार इसके गियर्स। यार जो हमें गियर्स मिलते हैं वो है ना, ज़्यादातर साइकिल या तो ट्रॉनी देती हैं या फिर असेरा देती हैं, और वो 3:7 देती हैं। यार जो इसमें हमें सेट मिलता है वो मिलता है 3:8 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। और 3 जो है, जिसके फ्रंट गियर्स हैं वो है इसका ट्रॉनी, और जो बैक में मिलता है 8:2 का जो है वो है हमारा असेरा, और एक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है इस। और बाकी सारे जो फीचर हैं इसके हमारे सेम है, मतलब जैसे डबल वॉल एलॉय रिम्स मिलते हैं इसमें हमें, और इसमें हमें कैनेडा के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। और यार इसका मुझे एक छोटा सा फीचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ लगा, इसमें हमें ना 2 बोतल होल्डर लगा सकते हैं आराम से। आप अगर इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो इसमें ना 2 बोतल होल्डर का स्पेस दिया है, जो कि छोटी सी चीज़ है बट यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो, जब आपको पता चलता है वैल्यू कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि हमें है ना वाटर एक बोतल में जितना आता है वो भी कम पड़ जाता है, तो यार 2 बोतल होल्डर देना भी एक छोटी सी चीज़ है बट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे इस साइकिल में। अब यार आप बोलोगे कि यार ये फीचर तो इतने भी ज़्यादा अमेजिंग नहीं है। भाई अमेजिंग नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि यार जो ये फीचर मिलते हैं, ये मिलते हैं अराउंड 35 या 37 की साइकिल्स में, जो कि 37 के अराउंड मिलती हैं। बट भाई ये आपको फीचर मिल रहा है 26,000 की साइकिल में। मतलब आप सोच सकते हो 26,000 की साइकिल में आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। भाई मेरी स्नो लेपर्ड आई है 27 की, तो और उसमें भी इतना फीचर नहीं मिला। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको 26 ही पड़ेगी कैसे। यार देखो, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो है आपका 30,943 का, बट अगर आप इसको शॉप करते हो ऑनलाइन चूज़ माई बाईसाइकिल से, तो आपको ये 26,302 रुपीज़ की पड़ेगी।
और ना गाइज, ये फीचर्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर आप इस साइट से लोगे तो यार देखो, आपको 6000 तक के फीचर्स मिलेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, देखो फ्री शिपिंग जो कि 1800 की, ये बताते हैं, आपको एक एलन किट मिलेगी, एलन की होगी जिसमें मल्टी स्पैनर होगा आपका भाई, बैल मिलेगी जो कि 200 रुपीज़ की, लॉक मिलेगा 230 रुपये का, बोटल होल्डर मिलेगा 195 रुपीज़ का, एक बैग भी मिलेगा, मतलब जो साइकिल बैग्स होते हैं जो कि 500 के, और फ्रंट और रेयर के मडगार्ड मिलेंगे। और भाई एक और अमेजिंग चीज़ मिलेगी आपको जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार, आपको बोट के एयर डॉप्स मिलेंगे 138 जिनका मॉडल है, जो कि आपके 3000 रुपये के अलग से आते हैं अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो मतलब आपको इतना सारा कुछ, वो भी कितने में मिलेगा, 26,302 रुपीज़ में। भाई और क्या चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आप MTB लेने वाले हो अंडर 30,000, भाई आग बंद करके ले लो इसे। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ़र है, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इसको जल्दी से परचेस करो और अपनी साइकिल राइडिंग को इन्जॉय करो। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।